नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। हबीबगंज अबरानी कमलापति रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मंजूर किया। 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 15 नवंबर की सुबह से कई आम रास्ते बंद होंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान रोड और बोर्ड ऑफिस से हबीबगंज स्टेशन तक आम ट्रैफिक नहीं चलेगा। 7 नंबर स्टॉप से भी एंट्री नहीं। हबीबगंज पर हर यात्री की जाँच होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद, सिर्फ ISBT से ही एंट्री और एग्जिट। पहचान पत्र जरूर रखे, सामान की जाँच अनिवार्य। हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा देश के 33 राज्यों में जो सेवाएं फ्री मिल रही है, प्रदेश में पैसे लेकर क्यों दी जा रही है। डेंगू हुआ खतरनाक, अस्पतालों में न पर्याप्त दवाएं और न ही जंबो प्लेटलेट का इंतजाम, बेड भी पड़ रहे कम। जानबूझकर चूक का नतीजा हमीदिया हादसा। नई बिल्डिंग में जाना है इसलिए फायर सेफ्टी सिस्टम अपडेट ही नहीं किया, सोच ने ली बच्चों की जान। वैक्सीन पर सख्ती, रतलाम में जनरल स्टोर, सैलॉन या सिनेमा हॉल दोनों डोज लगे हैं तो ही मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की अनूठी मुहिम, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। अभिनेत्री कंगना के बयान का विरोध, इंदौर में कांग्रेसी पहुंचे थाने, कंगना पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, पद्मश्री भी वापस लिया जाए। भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, नवंबर के पहले पखवाड़े में तीसरी बार रात का पारा 11.2 डिग्री से नीचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।